जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो मे भी आपके एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन आ सकती है, इसीलिए इसको क्वेश्चन को जरूर आप अच्छी तरह से याद कर ले। वीडियो को 4 बार 5 बार रिपीट करके देखते रहें जब आपके पास खाली समय हो। तो आज भी हम आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो उससे पहले वेलकम टू आवर डिजिटल्स क्लास। आप सभी को हमारे डिजिटल्स क्लास में स्वागत करते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट, वैसे टीचर्स जो एनआईओएस से कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आपके डिजिटल्स क्लास ने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन का तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आपको फाइनल एग्जामिनेशन में एक ही बार निकल जाए। और यह जो पढ़ाई बिल्कुल भी डिजिटलाइजेशन के तहत आपको पढ़ाया जा रही है, तो यहाँ पर जो है जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप 24 आवर में कभी भी विजिट कर सकते हैं जब आपके पास खाली समय होगा। हमें पता है कि आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि दूसरों को पढ़ाने के बाद घर का फैमिली को देखना, अपने बच्चों को देखना, फिर बच्चों को भी पढ़ाना, फिर अपने खुद को पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते होंगे। तो जब भी आपके पास समय है, दोपहर हो, रात हो, दिन हो, जब भी आपके पास समय हो, इस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि आपको तो पढ़ना इतना तो है। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आप अपने टीचर के पॉट से हाथ धो बैठिएगा। इसलिए चाहिए आपको जैसे भी पढ़ना, रात में पढ़िए, रात में जगिए, दिन में जगिए, जब भी आपको पढ़ना पढ़ना तो पड़ेगा, इतना तो फिक्स है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आने वाले दिन में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप सोचिए कि पढ़े, आप अभी परीक्षा 10 दिन बाकी है ना, तो 10 दिन के लिए पढ़ लेते, तो ऐसा करिएगा तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। अभी एग्जामिनेशन फरवरी में होने वाला, तो उससे अच्छा है कि आप पहले से थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन को जरूर रिपीट करते चलिए। इससे काफ़ी क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा, तो आपका जो जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है सारा रिपीट हो जाएगा। तो मैं भी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है सेम छाप दे, तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में उत्तर के साथ क्या रखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिजिटल्स क्लास वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन देने वाले, 10 क्वेश्चन को सबसे पहले अपने स्तर से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हमारे आंसर्स के साथ मिलाइएगा और देखिएगा कि 10 में से आपने कितने सही किए, वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन के सेक्शन में क्या रखा हुआ है। लिखा हुआ वाचन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए में है वाचन, बी में है लिखन, सी में है पठन और डी में है नन ऑफ दीज। दूसरा में लिखा है भाषा किस तरह का कृति है, मानवीय कला, भौतिक कला और सी में है हिंदी कला और डी में है देवनागरी कला। तीसरा में सस्वर वाचन के कितने भाग हैं, 2, 8, 9, 3। चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाटक किसका तत्व है, सभी का, अभिनय का, वस्तु का या कथोपकथन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ श्रवण कौशल किस प्रकार का प्रक्रिया है, ए में है अनोखी, बी में है स्वदेशीय और सी में है मौखिक और डी में है सुनना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सृजनात्मक पठन पठन क्रिया का कौन सा चरण है, फर्स्ट चरण, फोर्थ चरण, लास्ट चरण या 9th चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पोस्टर एवं विज्ञापन हमारे आसपास की लिखित सामग्री को किस तरीके से पेश किया जाता है। ऑप्शन ए में है रोमांचक, बी में सरल और रोचक, सी में है कठिन, डी में है आसान। 8वां क्वेश्चन लिखा है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की कौन सी विधा को बतलाई गई है। ऑप्शन ए में है सभी, बी में है रचना, सी में है अनुवाद और डी में है प्रत्यक्ष। 9वां क्वेश्चन में क्या लिखा है व्यवहारिक रूप से भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 4, सी में है 8, डी में है 2। 10वां क्वेश्चन देखते, 10 में क्या लिखा है कौन सा कक्षा से
कौन सा कक्षा से मौन पाठ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए 10वीं कक्षा से, बी में है 6ठी कक्षा से, सी में है 5वीं कक्षा से, डी में है 1ली कक्षा से। तो आपने हो सकता है बेस्ट ऑफ लक आपने 10 में से ज़्यादा ज़्यादा आंसर कर दिए होंगे। तो अब चलते हैं मिलाते हैं आंसर और आप अपना आंसर देखिएगा कि कितना आंसर सही हुआ है। तो पहला क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन के आंसर क्या रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है वाचन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा पठन। दूसरा क्वेश्चन था हम लोग का भाषा किस तरह का कृति है? इसका होगा मानवीय कलाकृति। तीसरा क्वेश्चन था स्वर वाचन के कितने भाग हैं? आंसर होगा 2। चौथा क्वेश्चन था नाटक किसका तत्व? इसका आंसर होगा सभी का, मतलब अभिनय, वस्तु या कथोपकथन। आइए पांचवा नंबर का आंसर देखते हैं। लिखा है श्रवण कौशल किस प्रकार का प्रक्रिया है? आंसर होगा स्वदेशीय। छठा क्वेश्चन में लिखा था सृजनात्मक पठन क्रिया का कौन सा चरण है? इसका आंसर होगा सबसे अंतिम चरण, मतलब सबसे लास्ट चरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया था पोस्टर एवं विज्ञापन हमारे आसपास के लिखित सामग्री को किस तरीके से पेश कर किया जाता है, यानी कि पोस्टर और विज्ञापन मतलब जैसे कि आप देखे होंगे जगह जगह पर फ्लैक्स बोर्ड लगाया जाता है, बैनर चिपकाया जाता है, तो ही पोस्टर और विज्ञापन कहा जा रहा है। तो उससे क्या होता है, सरल और रोचक हो जाता है, मतलब पढ़ने में हमको आसानी होता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, वही चीज़ कहा जा रहा है सरल और रोचक। आठवां क्वेश्चन में क्या लिखा है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की कौन सी विधियां को बतलाई गई है? इसका आंसर होगा सभी, संरचना, अनुवाद और प्रत्यय। नौवां क्वेश्चन में देखते हैं, नौवां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्यवहारिक रूप से भाषा को कितने भागों में बांटा गया? इसका आंसर होगा 2 भागों में बांटा गया। आइए दसवां क्वेश्चन देखते हैं। दसवां में क्या लिखा है, कौन सा कक्षा से मौन पाठ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? इसका आंसर होगा 6ठी कक्षा से। 6ठी कक्षा से मौन कक्षा जो मौन पाठ होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको केयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आपने जो है 10 में से ज़्यादा आंसर सही कर लिए होंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि 10 में से आपने कितने आंसर को सही किए। और यह जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का मिशन जो चलाया जा रहा है, आपका डीएलएड को पढ़ाई को किया जा रहा है, ये आपका डीएलएड का पढ़ाई हमारे चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। यह डीएलएड का पढ़ाई आपको हमारे चैनल के साथ कैसा लग रहा है यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसमें 10 में से कितने आंसर चाहिए, कितने आंसर आप सही किए ये भी बताइए। और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और आपको आगे चाहिए या नहीं चाहिए यह भी हमें कमेंट करके बताइए। जितना ज़्यादा कमेंट, जितना ज़्यादा लाइक, जितना ज़्यादा शेयर, उतना जल्दी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।